पेज नंबर 19 में तीसरा पैराग्राफ देखेंगे, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। यहाँ पे बता रहे हैं कि एक चीज कि हमारे पास पैसे नहीं है क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए, किसके अलावा, बैंगल्स बनाने के अलावा। ये जो चीख है, ये जो आवाज़ है, वहाँ पर हमेशा क्या होती थी, सुनाई देती थी, कहाँ, फिरोजाबाद की गलियों में। नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, ये बोल रहे हैं कि हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, यह हर घर में सुनाई देता है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और बोल रहे हैं कि यंग मैन जो थे, जो युवा जो लड़के थे या बच्चे जो थे, ये बोल रहे हैं वो उसी शिकायत को दोहराते थे जो उनके एल्डर्स दोहराते थे। यानी बताया जा रहा है कि हमारे पास भोजन, पर्याप्त भोजन नहीं है, हम दूसरा व्यापार नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है। इस प्रकार की जो बातें हैं जो उनके बड़े कहते थे, वही बातों को जो यंगर्स हैं वो क्या करते थे, दोहराते थे। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन द फिरोजाबाद, और वो रहे वक्त के साथ बहुत कम ही वहाँ पर बदलाव हुआ था, कहाँ, फिरोजाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड numbling toil have killed all the initiative and the ability to dream। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिमाग को शून्य कर देने वाली चीजें, कठोर परिश्रम करने के बाद भी उनमें सपने देखने की क्या नहीं थी, शक्ति नहीं थी। यानी कि इतना कठोर परिश्रम के बाद वो कोई नए ड्रीम को देखे, नए सपने को देखे, ये उनमें क्या नहीं थी, शक्ति नहीं। Why not organize yourself into the cooperative? I ask a group of young men। जब लेखिका युवा जो लड़के हैं उनके एक ग्रुप से ये पूछती है कि आप अपने स्वयं की क्यों एक यूनिटी नहीं बना लेते, आप स्वयं की एक संगठन क्यों नहीं बना लेते। Who has fallen into the vicious circle of middlemen? जो ऐसे दलाल के, middlemen means क्या होता है, दलाल, जो ऐसे दलाल के बुरे जाल में फंस गए थे। हु ट्रैप्ड देयर फादर एंड फोर फादर, जिन्होंने उनके फादर और फोर फादर, फोर फादर मीन्स दादाजी, उनके जो दादाजी थे या पूर्वज जो थे, उनको भी किसमें फंसा लिया था, अपने जाल में फंसा लिया था। कैसे जाल में फंसा लिया था, क्योंकि इनके जो भी सामान जो ये बनाते थे या बैंगल्स बनाते थे, वो मिडिल मैन यानी कि दलालों को बेचते थे, और जो दलाल थे वो अधिक प्रॉफिट में दूसरों को क्या करते थे, बेचा करते थे। तो कहीं ना कहीं इनके इनकम कम होती जाती थी, इनको प्रॉफिट नहीं होता था, और ये पूरी तरह से उन मिडिल मैन के जाल में क्या हो चुके थे, फंस चुके थे। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, जैसे ही लेखिका ने उनसे ये प्रश्न पूछा था तो तुरंत ही वो जवाब देते हैं, यदि हम अपनी ऑर्गेनाइज बना लेते हैं, यदि हम अपना एक संगठन बना लेते हैं, वी आर द वन हु विल बी हॉल्ड बाय द पुलिस, बिटन एंड ड्रैग टू जेल। और यहाँ पे बता रहे हैं यदि हम अपनी यूनिटी यदि बना लेते हैं तो हमें क्या किया जाएगा, पुलिस के द्वारा जेल में ले जाया जाएगा, बीटन, मारा जाएगा, एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इनलीगल, और कुछ अवैध कार्य करने के जुर्म में हमको जेल में क्या किया जाएगा, ले जाया जाएगा। एंड दे से, वो ऐसा कहते हैं, देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो ये कहते हैं कि उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं है जो उनके चीज़ों को अलग देखने में उनकी क्या कर सके, मदद कर सके। देयर फादर एज टायर्ड एज दे आर, और उनके फादर भी उतने ही थक चुके हैं जितना कि ये जो यंग जनरेशन है, जो यंग युवा व्यक्ति हैं, जितना वो थक चुके हैं उतना ही उनके पिता, जो दादा या परदादा या पूर्वज या फिर उनके जो पिता हैं, वो भी क्या हो चुके, थक चुके हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी एंड एपेथी ऑफ ग्रीडी एंड इनजस्टिस, और ये बता रहे हैं उनकी जो बातें, जब वो बातें करते हैं तो वो केवल चार चीज़ों पर ही केंद्रित होती है,
किसके ऊपर? पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स क्या होता है? गरीबी। गरीबी पर एपेथी। एपेथी मीन्स होता है उदासीनता। उदासीनता पर ग्रीडी। ग्रीडी मीन्स क्या होता है? लालच। एंड इनजस्टिस। इनजस्टिस मीन्स अन्याय। यानी कि जब भी वो आपस में बात करते थे तो उनके बातों का जो केंद्र बिंदु रहता था वो गरीबी हुआ करता था, या अन्याय के बारे में बात करते थे, या फिर किसी लालच के बारे में, या फिर उदासीनता के बारे में अक्सर वो क्या किया करते थे? बातें किया करते थे। लिसनिंग टू देम, इन सब बातों को सुनने के बाद, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। लेखिका कहती है कि स्पष्ट रूप से मैं दो प्रकार की दुनिया देख रही हूँ। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेव ऑफ पॉवर्टी। पहली जो दुनिया है उसमें कौन है? उनमें वो लोग हैं जो गरीबी की जाल में फंस चुके हैं। एंड बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन, जो जाति बंधन में दबी हुई है, विच दे आर बॉर्न, जिनमें उनका क्या हुआ? जन्म हुआ। पहला वर्ल्ड ये हो गया, द अदर इज विशियस सर्कल। और दूसरा वर्ल्ड जो है उसमें कौन लोग हैं? ऑफ द साहूकार, साहूकार लोग, द मिडिल मैन, मिडिल मैन है, द पुलिस मैन एंड द कीपर ऑफ लॉ, जो कानून को बनाने वाले लोग हैं, द ब्यूरोक्रेसी, अधिकारी वर्ग, एंड द पॉलिटिशियंस, और कौन? राजनैतिक लोग हैं। यहाँ पे बता रहे हैं दो वर्ल्ड का, यहाँ पर दो प्रकार के वर्ल्ड को दुनिया को देख रही है। पहला जो है वो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, जाति बंधन के जाल में फंसा हुआ है पहला वर्ल्ड। और दूसरा जो वर्ल्ड है उसमें कौन लोग सम्मिलित हैं? साहूकार, पॉलिसमैन, मिडिल मैन एंड ब्यूरोक्रेसी, अधिकारी वर्ग, और कीपर ऑफ लॉ, और कानून को बनाने वाले लोग क्या हैं? सम्मिलित हैं। और ये दोनों लोग, दोनों जो दुनिया है, दोनों वर्ल्ड जो है वो क्या करती हैं? टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड बैगेज ऑन द चाइल्ड। ये जो दोनों वर्ल्ड के जो लोग हैं वो मिलकर जो एक बच्चे हैं उन पे भार, अपना जो भी भार है उसको लाद देते हैं, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वह कभी भी क्या नहीं कर सकता है? उतार नहीं सकता है। यानी कि अपना जितना भी बर्डन होता है, जो भी चीज़ें होती है, उसको एक बच्चे पर थोप देते हैं, जिसको वो बच्चा जो है वो कभी भी क्या नहीं कर सकता है? उतार नहीं सकता है। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्टेड एज नेचुरली एज हिज फादर। उसे उसका आभास होने से पहले ही वो नेचुरली रूप से, स्वाभाविक रूप से जो उसके पिता करते रहते हैं उस चीज़ को वो क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है। कहने का मतलब है जिस कार्य को उसके पूर्वज, है ना, उसके पिता करते आ रहे हैं, उसी कार्य को वो बच्चा क्या कर लेता? अपना लेता है। और जब तक इस चीज़ का उसको आभास होता है तब तक वो उस कार्य को अपनाए हुए उसे बहुत क्या हो जाती है? देरी हो जाती है। यानी कि उस चंगुल से अब अपने आप को वो क्या नहीं कर सकता है? निकाल नहीं सकता है, है ना। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि वो अपने इस जाल में दोनों वर्ल्ड के जो लोगों के द्वारा थोपे गए जो भार है उससे लग जाता है, और वो उससे कभी भी क्या नहीं कर पाता है? निकल नहीं। टू डू एनी थिंग एज वुड मी टू डेयर, कुछ अलग करने का मतलब था कि साहस दिखाना। एंड डेयर इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस दिखाना उनके परिवेश में नहीं था, है ना, उनके चरित्र में नहीं था। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. लेखिका ये कहती है जब मैंने मुकेश में इस प्रकार की हिम्मत देखा तो मैं बहुत क्या हुई? प्रसन्न हुई। यानी कि वो अपने परिवार से अलग होकर, अपने जो उनकी फैमिली जो बैंगल बनाने का कार्य करती थी उससे अलग होकर उसका जो सपना था वो बिल्कुल क्या था? डिफरेंट था, अलग था। तो यहाँ पर एक हो रहे हैं कि जब मैंने मुकेश में ये हिम्मत देखी तो मैं बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई। आई वॉन्ट टू बी मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो कहता है, बार बार ये रिपीट करता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ? मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू द गैरेज एंड लर्न, ही इंसिस्ट, और यहाँ पे बता रहे हैं कि ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, मैं कहाँ जाऊँगा? गैरेज जाऊँगा और वहाँ पर कार बनाना सीखूंगा। बट द गैरेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम,
आई विल वॉक दिस इंसिस्ट, किंतु मैंने इसे पूछा, किंतु गैरेज जो है वो तुम्हारे घर से काफी दूर है, आई विल वॉक ही इंसिस्ट, और किंतु उसने ये जवाब दिया कि मैं पैदल ही, डू यू डू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो, ही सडनली साइलेंट, नो ही सेज एंड स्टेडिंग एट द ग्राउंड, वो तुरंत इस बात को सुनकर चुप हो जाता है और वो कहता है नहीं, किस ओर देखते हुए, जमीन को देखकर वो कहता है नहीं, मैं प्लेन उड़ाने का सपना नहीं देखता हूँ। इन ए स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बरेसमेंट, यहाँ पे बता रहे हैं कि वो धीरे धीरे, मर्मर करना मीन्स धीरे धीरे बड़बड़ाना, वो धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए कहता है, और जब वो ये कहता है तो उसके चेहरे पर किसी प्रकार की शर्मिंदगी है, उसके चेहरे में एक प्रकार की शर्मिंदगी दिखाई दे रही है, That has not yet turned into regret, और यहाँ पे बोल रहे हैं ये शर्मिंदगी तुरंत अफसोस में बदला था, बदल गया, He is content to dream of car, वह अपने कार देखने का जो सपना है उससे बिल्कुल संतुष्ट है, And that he is hurtling down the street of his town, और वो उस कार को कहाँ देखता है, अपने शहर की गलियों में खड़खड़ाते हुए आवाज करती हुई इन कारों को देखकर उस सपने को देखता है, और उस शहर का नाम क्या है, फिरोजाबाद। Few airplanes fly over फिरोजाबाद, और कुछ देर बाद जो लेखिका है वो ये सोच रही है कि वो एयरप्लेन जो है उसे चलाने का सपना इसलिए भी नहीं देखते हैं क्योंकि उनके फिरोजाबाद शहर के ऊपर से बहुत कम ही प्लेन क्या होते हैं, गुजरते हैं, इसलिए शायद मुकेश ने भी केवल क्या को देखा, क्या सपना देखा, कार चलाने का या कार मैकेनिक बनने का सपना देखा, और उसने ये सपना नहीं देखा कि मैं क्या चलाऊंगा, प्लेन चलाऊंगा। यहीं पे हमारी ये स्टोरी कंप्लीट हुई। हमने यहाँ पर दो पार्ट पढ़ा है ना, पहले पार्ट में हमने किसके बाद, साहिब के बारे में पढ़ा जो रैग पिकर था, है ना, और ये रैग पिकिंग का जो कार्य था वो उसके फैमिली के द्वारा ही उस पर थोपा गया है ना, और दूसरी भी स्टोरी जो दूसरा पार्ट हमने पढ़ा उसमें मुकेश की स्टोरी थी, और मुकेश भी उसी कार्य को करता था, किस कार्य को, बैंगल बनाने का कार्य, किंतु वो क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक, यानी अपने इस कार्य को वो छोड़कर अपना, अपनी डेयरिंग दिखाकर, अपने साहस को दिखाकर वो किसी दूसरे कार्य को करना चाहता था। तो हमने दो कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पर पढ़ा, और दोनों ही अपने परिवार के द्वारा थोपे गए जो कार्य थे उसको वो क्या कर रहे थे, अपना रहे थे या कर रहे थे।